अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट कुकिंग। स्टूडेंट कुकिंग में आज मैं बना रही हूँ इंजीर का हलवा। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम के साथ अपनी आज की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पाव इंजीर ली है। इंजीर को धोने के बाद 2 कप पानी के अंदर 2 से 2.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके साथ ही 1/2 कप सूजी है, 1/2 कप चीनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 कप पानी है, 1/2 कप घी है, 1 पाव खोया है, 50 ग्राम बादाम है और 50 ग्राम पिस्ते, दोनों को मैंने फाइन स्लाइस में काट लिया है। 6 से 7 अदद छोटी इलायची को छिलके के साथ दरदरा सा कूट लिया है। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी आज की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंजीर को चॉप कर लूँगी। इसे ग्राइंड करके पेस्ट नहीं बनाना है, मोटा मोटा सा हम इसे चॉप कर लेंगे। बस अभी से हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं करना है, इसे मोटा मोटा सा रखना है। देखिए इंजीर को बस इतना ही हमें चॉप करना है कि थोड़ी मोटी मोटी रहे, बहुत ज़्यादा इसका पतला पेस्ट नहीं करना है। तो इंजीर को मैंने चॉप कर लिया है, अब हम हलवा बनाना स्टार्ट कर देंगे। स्टोव मैंने ऑन कर लिया है, पैन के अंदर मैं घी डालूँगी। घी को हल्का सा गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं छोटी इलायची डाल दूंगी। एक सेकंड तक मैं छोटी इलायची को रोस्ट करूंगी कि अच्छी खुशबू आने लगे। उसके बाद मैं इसमें सूजी शामिल कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर सूजी डाल दूंगी। सूजी डालने के बाद इसे 1 से 2 सेकंड तक मैं फ्राई करूंगी घी में। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू आने लगेगी। बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना है, मीडियम लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे ना, सूजी जल जाएगी। बिल्कुल धीमी आंच पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सूजी को नहीं पकाना है, तो इसे हल्की हल्की से खुशबू आने लगेगी और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। बस इतना हम इसे कुक करेंगे। सूजी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है, लेकिन इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया और अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसके अंदर मैं ये इंजीर शामिल कर दूंगी। इंजीर डालने के बाद इसे मैं दोबारा भूनूंगी बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हलवे को मीडियम लो फ्लेम पर भूनते हुए। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है इसमें से। अब मैं इसके अंदर शुगर शामिल कर दूंगी। चीनी डालने के बाद इसे मैं दोबारा भूनूंगी मीडियम लो फ्लेम पर। हम आज तेज़ नहीं करेंगे वरना हलवा जल जाएगा। 1 से 2 सेकंड तक मैं अच्छी तरह से इसे भूनूंगी। हलवे को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। पानी डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और अब इसे मैं कवर कर दूंगी बिल्कुल दम की आंच पर, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसे चेक करती हूँ। 8 मिनट हो चुके हैं, हलवे को चेक कर लेते हैं। देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसे मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक और भूनूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। उसके बाद मैं इसके अंदर खोया शामिल कर दूंगी। हलवे को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर खोया डालूंगी। खोए को इस तरह हाथ से चूरा करके इसमें शामिल कर देंगे।
हुए हैं, साथ ही इसके अंदर मैं नट्स भी शामिल कर दूंगी। थोड़े से नट्स मैं रोक लूंगी, गार्निश के टाइम पे तोलेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इतना कि खोया अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लेकिन खोया अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसे एक से दो सेकंड तक मैं मज़ीद भूनूंगी, उसके बाद मैं स्टोव बंद कर दूंगी। हलवा तैयार है, इसे हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इंजीर का हलवा तैयार है, स्टोव मैं बंद कर रही हूँ, इसे हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इंजीर का हलवा तैयार है, मैंने सर्विंग डिश में निकाल के इसे गार्निश कर लिया है। हलवा बहुत ही मज़े का बनता है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। स्टूडेंट कुकिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।